भुलक्कड़ बहू। कल ये तेरी बीवी फोन सब्जी की दुकान में भुलाई। वो तो भला है कि पहले भी 5 बार भूल चुकी है तो लोगों को पता है कि ये मोबाइल तेरी बीवी का ही है। अरे तो कौन सा आईफोन है जो लोग दबा लेंगे? 2 कौड़ी का फोन है, न लाइट चलती है न आवाज आती है, बस नाम का फोन है ये, नाम का। अरे नाम के फोन पर तू घंटों पंचायत करती है, न जाने क्या काम होता है। अरे कौन से शहर बाजार में तू काम करती है? बहू सास से जीत तो सकती नहीं थी, वहीं से चली जाती है, लेकिन हाँ भूलने की आदत उसकी अब भी रहती है। सुनो नहाने जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो जरा ये शर्ट प्रेस कर देना। और हाँ प्लीज, और कोई शर्ट धुली नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? अरे हाँ हाँ पता है, हर बात पर सिखाया मत कीजिए। इस घर में शादी करके तो ऐसा लग रहा है कि सामान्य ज्ञान की क्लास ही चलती रहती है, हर वक्त परेशान करके रख दिया है। पति नहाने जाता है और बीवी लग जाती है पति की शर्ट प्रेस करने की, तभी बाहर से आवाज आती है, कोई गरीब साधु को रोटी दे दे। अरे बाबा भूखा खड़ा है तेरा द्वार देवी, बाबा को भिक्षा देकर पुण्य कमा ले देवी। ओहो ये तो पुण्य की बात है कि बाबा दरवाजे खड़ा है। अब इसकी आवाज सासू माँ को सुनाई नहीं देगी, लेकिन मैं और ये कमरे में हल्के से बात कर ले तो क्या? अरे घूस ही चली आती है। चलो पहले बाबा को ही रोटी दे देती हूँ। अब क्या था, रिंग की जाती है बाबा को रोटी देने, लेकिन पीछे छोड़ जाती है पति की शर्ट के ऊपर प्रेस, वो भी गर्मा गर्म। अरे बाबा रोटी तो ले लो, बस ये बता दो कि मेरी किस्मत कब जगेगी। ससुराल में हालात टेबल टेनिस के बॉल की तरह हो गए हैं, कभी कोई इधर फेंकता है तो कभी कोई उधर फेंकता है, कोई इधर मार कर उधर फेंक देता है। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भूलने की आदत कैसे ठीक होगी, कोई उपाय हो तो बता दो ना बाबा। बाबा घर के अंदर देखते हैं तो 1 घंटे बाद टीवी पर गजनी फिल्म शुरू होने वाली होती है। याद है ना गजनी फिल्म, जिसमें आमिर खान को भूलने की बीमारी होती है और वो हर बात को लिख कर याद रखता है। अरे बेटे हम बाबा हैं, हर किसी सवाल और जीवन में दुख परेशानी का निजात है हमारे पास। तुम एक काम करो, 1 घंटे बाद टेलीविजन के सामने बैठ जाना और जो फिल्म देख रही हो ना देख लेना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अलग निरंजन निकालो खाना, सलाह देने की दक्षिणा भी। अरे बाबा जीवन से ये वाली समस्या खत्म हो जाए तो समझिए मेरे घर से आपका लंच पैक शुरू, वो भी बिल्कुल फ्री में। तभी अंदर से पति के जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। अरे क्या मजाक बना रखा है तुमने, ये क्या है, पूरी शर्ट जला दी, तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी भूलने की आदत से। हे भगवान, ये मेरा गधा जैसा बेटा सारा दिन जितनी कमाई नहीं करता उतना तो ये लड़की नुकसान करवा देती है। बाबा लग रहा है कि कोई कांड हो गया है अंदर मुझसे। अच्छा मैं ना 1 घंटे बाद बैठ जाऊंगी फिल्म देखने, विदा लीजिए अब तो आप। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, सामने पति खड़ा होता है फटी शर्ट पहनकर। माफ करिए पापा, आ गए थे तक्षिणा के लिए, अब कर्म और धर्म का लेखा जोखा भी तो संभालना है ना जीवन में, तभी तो चली गई थी उन्हें रोटी देने। वैसे खुशी की बात है बाबा ने कहा है कि 1 घंटे बाद टीवी देखना, और टीवी देखते ही मेरी ये बीमारी का निजात निकल जाएगा। हाँ हाँ, और जो नुकसान हो गया है यहाँ वो क्या तेरा जोगी बाबा भरेंगे? देखिए प्लीज शर्ट बदल लीजिए ना। नहीं आज तो मैं ऐसे ही जाऊंगा ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसी भुलक्कड़ बीवी के साथ निभा रहा हूँ मैं। शुक्र मानो कि छोड़ा नहीं है तुमको। पति की ये बात तो अब रिंकी के तन बदन में लग जाती है, वो सोच लेती है कि अब किसी भी हालत में वो अपनी ये भुलक्कड़पन की बीमारी को खत्म करेगी। फिर क्या था, पति तो फटी शर्ट पहनकर चला जाता है और 1 घंटे बाद बहू कमरे में सो रही होती है कि सास आ जाती है। अरे भुलक्कड़ तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग परेशान हो चुके हैं। जा तेरा बाबा बोल रहा था ना 1 घंटे बाद टीवी देखना, तो जा देख, क्या पता कुछ सुधार हो जाए। बहू टीवी खोलती है तो सामने चल रही होती है गजनी फिल्म, जिसमें आमिर खान शरीर में या दीवार में लिखकर अपनी चीजों को याद रखता था। तेरी
वाह, ये तो सच में बड़ा सही आइडिया है। इससे मुझे याद रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अब तो मैं भी सब सीख लिया करूंगी। वो टीवी बंद करके किचन में जाती है कि सास की आवाज आती है। अरे तेरे बुआ सास आ रही है, खाना बना लेना उसके लिए भी। जी माँ जी, बिल्कुल बना लूंगी। और सुन, वो कल वाला जो आटा बचा था ना, उसकी तो रोटी बुआ सास के लिए बना देना, आटा पड़ा पड़ा खराब ही हो रहा है। बहू फटाफट रोटी बनाती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि बुआ सास की रोटी तो पुराने आटे से बनानी थी। वो पुराना आटा लेकर रोटी बनाकर उस पर पेंसिल लिख देती है, पुराने आटे की रोटी बुआ जी के लिए। अरे क्या बन रहा है खाने में? भाभी, आपकी बहू की क्या हाल है? भूलने की बीमारी कम हुई या ऐसे ही तबाही मचा रखी है? अरे क्या बताए, अब आज किसी बाबा से उपाय पता किया है, देखो जरा। भाभी, आप ही हो जो संभाल रही हो ऐसी बहू, हम लोगों से तो पता नहीं हो पाता या नहीं। तभी वहाँ बहू आ जाती है। हाँ, तभी तो मैं इनकी बहू हूँ, आपकी नहीं। वैसे मैंने तोड़ निकाल लिया है। अब क्या था, बुआ सास जैसे ही खाना खाने बैठती है कि सास बोल पड़ती है। बहू, याद तो होगा नहीं जो बोला था? याद करो, बुआ के लिए कौन सी रोटी बनानी है कहा था ना मैंने? जी सब याद है, सब कुछ, ये लीजिए। लेकिन जैसे ही बुआ सास की रोटी उनकी प्लेट में आती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अच्छा, तो ये टोटका बताया है तेरे बाबा ने, जो कुछ भूलो लिख लो, क्यों? बहू को लगता है कि बुआ सास तारीफ कर रही है। अब क्या करे, याद रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा ना, वरना रोज रोज ताने बोलियां खा खा कर तो मैं परेशान हो गई थी। तो क्या कहा तेरी सास ने, बासी आटे की रोटी बुआ सास के लिए? बाबा, अरे कैसी बात कर रही हो ना नदरानी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? ऐसे आपको कैसे पता चला? क्योंकि तेरी भुलक्कड़ बहू ने ये लिखा है। बहू सबके सामने वो रोटी रख देती है जिसमें लिखा होता है, बुआ सास की रोटी बासी आटे की।